लखनऊ में महिला आयोग की ओर से जिले के 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन वितरित की गई। गुरुवार को गोमती नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्कूली बच्चियों के सामने खुद महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने मशीन का डेमो पेश किया। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों को इसमें एंगेज किया गया था, मैंने आपसे कहा, बहुत व्यापक स्तर पर नहीं हो पाया, लेकिन मैं अभी मैंने कल ही एक मीटिंग करी है और हम लोगों की का ये प्लान है, मैंने 2 महीने से इस काम पे हम लगे हैं कि हम किस तरह से गांव-गांव स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस व्यवस्था को कर सके। देखिए, आज एक पहल हुई है, ये प्रेरणा देगी अन्य संस्थाओं को भी कि वे भी आगे बढ़ें और इस तरह की व्यवस्थाएँ दें। आएंगे डिस्पोजल, वो एक डिब्बा होगा जिसमें पैड डालने से वो डिस्पोज हो जाएगा, तो ये भी डर नहीं है, परेशानी नहीं कि इसको हम डिस्पोज कहाँ करें। आज की कुंठाएँ थी, कुछ व्यवस्थाओं को एकदम गोपनीय करके रखो, छुपाओ, शर्माओ। अब ये 21वीं सदी है, ये झिझक तोड़ने की बात हो रही है, समझाने की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई नई मशीन आपके घर में भी आती है तो आप भी उसको पहले समझते हैं, तब उसका उपयोग करते हैं।